VERMA Newton's laws of motion ka numerical 15. A person is standing on a weighing machine placed on the floor of the elevator. The elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while and finally decelerates to stop. The maximum and minimum weights recorded are 72 kg and 60 kg. Assuming that the magnitude of the acceleration and the deceleration are the same, find pehla true weight of the person and second magnitude of the acceleration or g hume use karna hai 9.9 meter per second square. To yaha pe jo humne numerical 14 kiya hai usme hume elevator ke sabhi concepts padha diye hai ki agar elevator upar ja rahi hai accelerate decelerate uniform motion se ya niche ja rahi hai accelerate decelerate uniform motion se to kis tarah se equation banate hai aur final tension kitna aata tha wo hume pura concept न्यूमेरिकल 14 में पढ़ाया है और इसका यूज करके हम न्यूमेरिकल 15 यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं. चेंजेस सिर्फ इतने हैं कि वहां पे पेंडुलम था, अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है ऑन वेइंग मशीन पर. तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि सपोज ये वेइंग मशीन है तो ये आदमी इस वेइंग मशीन पर डाउनवर्ड डिरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा उसका वेट, और ये वेइंग मशीन भी उससे नॉर्मल डिरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, वो होगा एन. अब अलग अलग यहाँ पे जो लिफ्ट होगी इलेवेटर वो ऊपर जा रही, पहले एक्सेलरेट हो रही है फिर यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है फिर स्टॉप होने के लिए वो डिसलरेट हो रही है. तो इस केस में हम यहाँ पे पहले जब और हमें पूछा है कि ट्रू वेट कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा और मिनिमम और मैक्सिमम वेट दिया है, तो ये यहाँ पे सपोज इनिशियली एक्सेलरेट हो रही है तो किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं हमने पढ़ा है. जब हमें मैक्सिमम वेट दिया है इसका मतलब ये होगा कि मैक्सिमम वेट तो क्या होगा, उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एमजी वेट आया है वो तो होगा ही, प्लस उसमें स्लो फोर्स भी ऐड हो जाएगा. स्लो फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मैक्सिमम वेट जो 72 दिया हुआ है वो कितना होगा, एमजी प्लस एमए. इस तरह से हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं. मिनिमम वेट कितना होगा, तो स्लो फोर्स माइनस होगा पूरा का पूरा, तो एमजी माइनस एमए इज इक्वल टू जो भी मिनिमम फोर्स हमें दिया है वो होगा. फिर भी हम यहाँ पे इक्वेशन या इस विधि से इक्वेशन बनाएंगे और कंफर्म करेंगे कि वही होता है या नहीं. तो देखो यहाँ पे ऊपर जा रही मतलब ऊपर का वेट ज्यादा मतलब एन, और ये एमजी मतलब ये होगा रिजल्टेंट फोर्स और उसके कारण मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये n कितना आ जाएगा, तो देखो n इज इक्वल टू ए एम ए तो है ही और इसमें प्लस एम जी हो रहा है, मतलब ये वही हो रहा है n, मतलब वो मैक्सिमम वेट वेइंग मशीन इतना वेट दिखाएगी और वो दिया हुआ है 972 इज इक्वल टू m को कॉमन लेते हैं तो a प्लस जी. इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा. अब दूसरी कंडीशन दी है कि यही वेइंग मशीन जब ऊपर जा रही है और डिसलरेट हो रही है तो इसके लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम. तो देखो ऊपर का ही फोर्स यहाँ पे भी एन माइनस एम जी इतना ही रिजल्टेंट फोर्स आएगा क्योंकि ऊपर जा रहे तो ऊपर का फोर्स ज्यादा, और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन वो डिसलरेट हो रही है तो माइनस एक्सेलरेशन. तो एन कितना आ जाएगा, तो एन इज इक्वल टू एम जी को उस साइड में भेज देंगे तो प्लस होगा और ये माइनस एम ए, मतलब ये एन हो रहा है यहाँ पे कितना एम को कॉमन लिया तो जी माइनस ए, तो ये इक्वेशन दो. इस तरह से हमें और एन की वैल्यू दी है हमें, मिनिमम वेट दिया हुआ है हमें 60, तो ये यहाँ पे 60 आ जाएगा. तो इस तरह से दो इक्वेशन तो बन गया और हमें ट्रू वेट मतलब ट्रू वेट कितना होगा, यहाँ पे ट्रू वेट होगा वी जब कॉन्स्टेंट से चलेगी, और ट्रू वेट कितना होगा वो आदमी का मास इनटू ग्रेविटी मतलब एम जी, तो एम जी फाइंड करना है, ट्रू वेट फाइंड करना है मतलब एम जी फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखो ट्रू वेट एम जी कैसे आ जाएगा, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर हम ऐड करते हैं, इक्वेशन वन और टू को ऐड करते तो वन प्लस टू हमें क्या देगा, तो 70 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 70 प्लस 60 आ जाएगा यहाँ पे 2 और ए 13 और ए इज इक्वल टू कितना होगा, ए एम ए और ए माइनस एम ए तो कैंसिल होगा और ए एम जी प्लस एम जी इज इक्वल टू 2 एम जी हो जाएगा, मतलब एम जी इतना टू वेट होगा तो डिवाइड करेगा तो 2 × 12 और 66 न्यूटन, मतलब ये होगा ट्रू वेट. ट्रू वेट कितना होगा 66 न्यूटन. तो इस तरह से पहला ए पार्ट हमारा हो गया. पार्ट बी में कहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा. अभी एक्सेलरेशन और डिसलरेशन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ऐसा न्यूमेरिकल में खुद में कहा है, तो अभी एक्सेलरेशन मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हम इक्वेशन वन माइनस टू कर देंगे तो क्या होगा, इधर माइनस आ जाएगा
और ये माइनस आने के कारण ये एमजी खत्म हो जाएगा, तो ये 72 माइनस 60 कितना रहेगा 8 इज इक्वल टू ए एमजीएमजी चला जाएगा और ये 2 MA होगा। लेकिन यहाँ पे मास तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे मास की भी जरूरत होगी, तो मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें और ये 2 तो ये आएगा 12 एक्चुअली, और ये एम ए मतलब ये 6 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमें यहाँ पे मास की जरूरत होगी। तो मास कैसे फाइंड करेंगे, तो मास फाइंड के लिए हमने ट्रू वेट मतलब mg इज इक्वल टू फाइंड किया था 66, मास कितना आएगा 66 डिवाइडेड बाय g बोला हमें 9.9 लेने के लिए, तो m आएगा 11 6 और 11 9 0.9, तो ये मास आ जाएगा 3 2 6 और 0.3 इतना मास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते वैल्यू, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 अपॉन m, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 अपॉन m, m कितना आ गया 2 अपॉन 0.3, तो ये 0.3 गया ऊपर, तो ये 2 3 जा मतलब एक्सेलरेशन आएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से